से वीडियो देखी है छोटी दीदी का, तब से बस इमोशनल में बैठी है, एकदम इमोशनल होके बैठी है, ना बोल रही है कुछ, ना वीडियो भी बनाई, ना कुछ भी की, बस बैठी है। चलिए अब क्या किया जाए, बस खाली कॉल ही कर सकता हूँ। देख रहे हैं कि अभी तक एक भी वीडियो नहीं आया कि छोटी थी, अगर एक तो अभी सब्सक्राइबर आए हुए थे, हम वीडियो बनाने जा रहे थे, बहुत खुशी मूड में थे, लेकिन देखे छुटकी का वीडियो, बहुत दुख हुआ। और वीडियो एक भी नहीं डाले हैं, डांस वाला वीडियो जा रहे थे बनाने, लेकिन बनाने का मन ही नहीं किया वीडियो देख के छुटकी का, जिस तरीके से वो तड़फड़ा रही थी, दर्द हो रहा है पेट में, भगवान जाने क्या हो गया, कुछ नहीं अभी समझ आ रहा है। बात किए हैं, सब बता रहे हैं अभी ठीक है, नॉर्मल है, शायद पेट में गैस बन गया था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो देखिए बस आप लोग दुआ और प्रेयर करिए कि छुटकी हमारी ठीक रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ दीदी आई हुई है सब्सक्राइब, हमारे हस्बैंड जी बैठे हैं यहाँ पे, सब्सक्राइबर सुबह से आए हुए हैं, ये भी सुबह से आई थी, भैया इनके हस्बैंड हैं, ये मम्मी और बेटी हैं, यहाँ पे ये भैया हैं और ये हस्बैंड वाइफ हैं, देखिए छोटा सा बेबी लेके आई हैं। और अभी हम लोग आ जाइए थोड़ा देर इधर, अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे, इन लोगों के चैनल में मैंने बनवा दिया क्योंकि बनाना ज़रूरी था, और ये लोग दूर से आए थे तो इन लोग के चैनल में ये लोग जा रहे थे तो हमने बनवा दिया है, लेकिन अपने चैनल पे हमने सिर्फ इन लोग का बोल के चैनल का नाम डाला है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि वही लास्ट वीडियो बनाए हैं, तब तक छुटकी का वीडियो अचानक में आ गया स्क्रीन पे, तो देखे तड़फड़ा रही थी, तो पूछिए एक भी वीडियो हम नहीं बनाए, एक भी वीडियो बनाए हम डांस का नहीं बनाए, फिर फोन किया बनाने का, बैठे थे हम लोग, फिर हम फोन किए हैं उनके पास, अरे रूपतारा दीदी के हस्बैंड के पास फ़ोन किया, तो बताए कि अभी जीने पे से उतरी हैं, अचानक में रोने लगी, फिर हम अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किए, हम बोले एक बार पता किए, तो बोले कि हाँ पता किए हैं, वो गैस वैस शायद बना है, ये इनसे भी बोले, फिर मैंने राजा वाले फ़ोन पे भी फ़ोन किया, तो राजा वाला फ़ोन भी घर पे ही था, तभी विकास भैया ने फ़ोन उठाया, तो उनसे बात हुई, बताए उनको कि थोड़ा जमाइन गर्म पानी में खुला के जमाइन करा नमक पीने से, डिलीवरी में अगर गैस वगैरह बना होता है तो ठीक हो जाता है, तो बताए हैं, अब पता नहीं वो लोग पिलाए कि नहीं पिलाए, हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी छुटकी के लिए दुआ करिए कि हमारी छुटकी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारी छुटकी इतनी हिम्मती है। एक बात है, इतने यूट्यूबर हमने देखे, लेकिन इतने यूट्यूबर में से दूध पिला दीजिए, इतने यूट्यूबर हमने देखे ना पूरे गोरखपुर में, गोरखपुर से खैलाबाद, मतलब ए टू जेड जितने भी यूट्यूबर देखे हैं छुटकी से, मतलब तरह तरह देखे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का छुटकी को जो तरीका है, नॉलेज है कि डिलीवरी में मसाला वाला ऑयल वाला नहीं खाना चाहिए, मतलब सेफ्टी बहुत करती है छुटकी, प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान देती है हमारी छुटकी, घर का खाना ओनली घर का खाना खाती है, बाहर का कुछ भी नहीं खाती है, वही हम सोच रहे हैं कि इतना मतलब ध्यान देती है वो, पता नहीं कैसे क्या हो गया, भगवान जाने, शायद जहाँ तक कि गैस का ही प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, गैस का प्रॉब्लम तो ठीक हो जाता है। और अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे थे, तब तक वीडियो देख रही है, थोड़ा दिमाग में टेंशन हो गया, अब जब तक छुटकी से हम नहीं बात करेंगे तब तक अभी तक टेंशन हमारा ख़त्म नहीं होगा, जब तक छुटकी से नहीं बात करेंगे, और अभी छुटकी को जब फ़ोन किया तभी भी दर्द ही हो रहा था, तो इसलिए हम सोचे नहीं बात करने के लिए। और अभी बाकी का ये दीदी भी जा रही हैं, तो आप लोग दीदी के चैनल को भी प्यार दुलार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, बोलिए सुरेंद्र की एलडी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। कैसा लगा आपको हमसे मिल? बहुत अच्छा दीदी से मिलकर लगा, और हम इनके घर पे आप घर नहीं देखे थे, लेकिन अब देख गए तो आएंगे हमेशा, हम मिलने जब मन करेगा तब आएंगे। और यहाँ पे देखिए चैनल का, आपका ये मम्मी बेट वो ये मम्मी है, मम्मी हैं वो बेटी हैं, तो आप लोग दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा दीदी से मिल के, जहाँ तक सोचे थे वहाँ से कई गुना अच्छा हमको लगा, हमको इतना एहसास भी नहीं हो रहा कि जितना सोचे थे उससे ज़्यादा कहीं मिल के इतना खुशी हुई कि सारा गम अपना भूल गए हैं और पूरा दिन यहाँ बिता दिए। और अभी वो दीदी बेबी को दूध पिला रही हैं, और यहाँ पे ये भैया हैं, ये भैया हमसे राजा के यहाँ पे मिले थे, और तो मैं इनको देखी तो पहचानी कि आप मिले हुए थे, तो वहाँ पे ही अकेले आए थे, अपने वाइफ को नहीं लाए थे, तो अभी बस हम लोग बैठे हैं, बाकी का दीदी जा रही हैं, और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि छुटकी का वीडियो देख लें जिस तरीके से वो तड़फड़ा रही थी, रो रही थी, अगर आसपास में होती तो अभी चले जाते, और अभी देखते हैं जैसा होगा एक बार फ़ोन करके कंफर्म करेंगे, अगर ठीक रहेगी छुटकी तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगर तबीयत वैसे ही रहेगा तो जाना तो पड़ेगा ही दोस्तों, क्योंकि अगर किसी के मुसीबत में ना साथ आए तो सुख में रह के क्या करेंगे।
सुख में एक रहो चाहे ना रहो, दुख में हमेशा रहना चाहिए। और जब सुख में इतना दिन काटे उन लोगों के साथ तो दुख में कैसे छोड़ सकते हैं, बस यही सारी बात है। और बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, जिसको बोलते हैं ब्लॉगिंग भी करने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब हमारे हस्बैंड बताएंगे जो बातें हैं। लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो कि दोस्तों आज सुबह सुबह मेरी गाड़ी जवाब दे दी थी और सेल्फ काम नहीं कर रहा था सुबह से, उसमें परेशान थे, ऊपर से वीडियो बनाने जा रहे थे इन लोगों के साथ, तब तक छुटकी का वीडियो देख लिए, बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। चलिए अब सर होता ही है और गर्मी है तो क्योंकि गाड़ी बनवा के अभी आए हैं और एजेंसी पर से जैसे ही आए हैं अभी नहाए धोए भी नहीं है और थोड़ा सा दो कवर खाना खाए हैं, उसके बाद नमस्ते, फिर उसके बाद यहाँ पे बैठे हैं थंबनेल मिल बना रहे थे, बताएं भैया नमस्ते कर रहा हूँ। और जो भी है एक्चुअली दोस्तों हम आप लोग को क्लियर बताते हैं, ये नहीं है कि चोरी छुपे है ना राधा। और यहाँ पे राधा भाई नहीं, छोटकी का रुआई सोच रहे हैं यार कितना। और जिस समय मैं कॉल किया था उसी समय ये भी कॉल कर रही थी और मुझे एक सब्सक्राइबर फ़ोन करके बताया, झूठ नहीं बोलते हैं, मैं तो अपना गाड़ी बनवा रहा था वहाँ वीडियो नहीं देख पाया, तो मुझे एक सब्सक्राइबर फ़ोन की तो कह रही भैया, हम कहे हाँ जी बताइए, कह रहे छोटकी को क्या हो गया, छोटकी का तबीयत ख़राब है और बहुत रो रही है, हम कहें वीडियो अभी तक देखे नहीं, अच्छा ठीक है एक्चुअली देखते हैं। उसके बाद हम भी तो फोन किए, हाँ तो नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद मैं देखा तो उसके बाद थोड़ा सा चिल्लाहट मैंने देखा तब मैं तुरंत विकास भाई के फ़ोन किया, तब तक राधा उसी वक्त फ़ोन की तो मेरा तो मतलब बिल्कुल अच्छे से बात नहीं हुआ, तो मैं बोला ठीक है राधा को बता दीजिए हम थोड़ा गाड़ी बनवा रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो बोले हैं कि डॉक्टर वॉक्टर घर पे आए हैं, तो बस खाली सुने हैं देखे हैं अभी तक तो सामने से नहीं देखे हैं। चलिए जो होता है वो तो ऊपर वाले की महिमा है, बस बसरते रह गया कि दोनों लोग सही सलामत रहे, बस हमारी यही दुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ ही कर सकते हैं कि नहीं, किसी का तो दुख हार नहीं सकते हैं कि हर दें। तो चलिए बस यही सब बातें थी और वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जानते हो बिल्कुल भी ऑयली नहीं खाती है ना, बाहर का सामान कुछ भी छुटकी नहीं खाती है, सिर्फ घर का फ्रूट में से थोड़ा बहुत खा लेगी और घर का ही खाना जो भी है नॉर्मल घर का खाना खाती है, बाहर कुछ भी नहीं खाती है। लेकिन भगवान जाने इतने भी से कुछ भी नहीं हुआ आज कैसे, गर्मी में दोस्तों खाना कम ही खवाता है और छोटकी भी उतना खाना खाती नहीं है, एक्चुअली हम लोग साथ में रहे हैं हम जानते हैं, तो चलिए होता है कि जो लिखा रहता है वो तो खैर होता ही है। सब लोग थोड़ी देर के लिए टेंशन में एकदम हो जाते हैं ना, एक तो डिलीवरी से ऊपर से हम खुद ही दोस्तों अगर तक पास में होती ना हम चले जाते थे, लेकिन बहुत दूर पड़ जाता है और हवा देख रहे हैं कितना तेज़ दूर है। जब से देखी है दीदी अभी से वीडियो ही नहीं, क्या हुआ सोच रही है दीदी, जब से वीडियो देखी है छोटकी दीदी का तब से बस इमोशनल में बैठी है, एकदम इमोशनल होके बैठी है, ना बोल रही है कुछ, ना वीडियो भी बनाई ना कुछ की, बस बैठी है। चलिए अब क्या किया जब बस खाली कॉल ही कर सकता हूं, देख रहे हैं कि अभी तक एक भी वीडियो नहीं आया कि छोटकी दीदी, अगर एक वीडियो आ जाए हाँ काहे नहीं ले चलेंगे यार, सुख में जा सकते हैं दुख में नहीं जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारी छुट्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए कि हमारी छुट्टी नॉर्मल सब कुछ अच्छे से रहे, बाकी का जो होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार, देखते हैं कॉल करते हैं क्या बात होती है।